समय था जब प्रदेश में गुर्जर आंदोलन की आहट से ही पूरा प्रदेश चिंतित हो जाता था। तत्कालीन समय में कारण चाहे कुछ भी रहे हों, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ही अपनी पटरी से उतर गए हैं। इसीलिए इस बार गुर्जर आंदोलन में पहले जितनी भीड़ नहीं जुट पाई है। इसकी क्या वजह है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गुर्जर नेता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। पहले बैसला के आह्वान पर रुक चुका है पूरा प्रदेश। जाम हो जाते थे प्रदेश के सड़क और रेल मार्ग, आमजन को होती थी काफी परेशानी, लेकिन इस बार पहले जैसा असरदार नहीं गुर्जर आंदोलन। क्या पुत्र मोह में फंसकर ट्रैक से भटके बैसला? गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला राजस्थान के एक ऐसे शख्सियत रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना में रहते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, बल्कि उनके एक आह्वान पर राजस्थान रुक जाता था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन कुछ खास असर नहीं डाल पा रहा है? क्यों उन्हें अपने आंदोलन के लिए भीड़ जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है? दरअसल राज्य सरकार गुर्जर समाज की ओर से की गई अधिकांश मांगों को सहमति दे चुकी है, इसके बावजूद गुर्जर आंदोलन करने पर डटे हुए हैं। तो क्या वजह है कि बैसला अब भी पटरी छोड़ने को राजी नहीं है? दरअसल गुर्जर समाज के ही कुछ लोगों का कहना है कि वे भी चाहते हैं कि अब आंदोलन खत्म हो, लेकिन कर्नल बैसला और उनके पुत्र विजय बैसला अपनी हट पर अड़े हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश के कई अन्य नेताओं की तरह ही बैसला भी अपने पुत्र विजय बैसला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि बैसला अब मुद्दों की लड़ाई के बजाय पुत्र मोह में फंसकर राजनीति कर रहे हैं, और अधिकांश मांगे सरकार द्वारा मान लिए जाने के बाद भी आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अब उनके समाज के लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि समाज के हित के लिए शुरू हुई इस लड़ाई के बहाने अब निजी हित साधने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब उनके अपने समाज के लोग ही उनका साथ नहीं देना चाहते और बैसला को अपने आंदोलन में भीड़ जुटाने के लिए बार बार समाज के लोगों का आह्वान करना पड़ रहा है। यही नहीं, गुर्जर नेता विजय बैसला भी अपने हित के लिए ओबीसी में आने वाली अन्य जातियों को भड़काने लग गए हैं ताकि वे खुद लाइमलाइट में आकर इस लड़ाई के हीरो बन सकें।